कैसे हो बच्चों? हम सब अच्छे हैं वन माता। वन माता, सब जानते हैं आप हमारे बीच कोई ना कोई जरूरी संदेश ही लाई हैं। तुमने ठीक समझा वनराज, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना वन माता? संकट तो निकट है, लेकिन अगर तुम सब साथ हो तो घबराने की कोई बात नहीं। पर कैसे वन माता? इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। योजना? पर कैसी योजना? आज सूर्यास्त के बाद मैं तुम्हें ये समझाने वाली हूँ। वो देखो, सुनहरा बाज भी आ गया। क्या हुआ वनराज, कैसे याद किया मुझे? आज वन माता है ये जंगल में। वन माता क्यों? वो सारी बातें आज सूर्यास्त के बाद बताने वाली हैं। ठीक है। ये कोई नए दुश्मन नहीं, ये खेल तो सदियों से चला रहा है, लेकिन ये दुश्मन बहुत खतरनाक है। वन माता ने बच्चों को ये बताया कि किस तरह वनराज के दादा वनश्रेष्ठ ने भी शक्ति पर्वत जाकर शक्तिशाली हथियार और शक्तिशाली जल लाया था। वन माता ने बच्चों को यह बताया कि कैसे सदियों से शक्ति पर्वत ही उनकी मदद कर रहा है, इसलिए वनराज का शक्ति पर्वत पर जाना जरूरी है। क्या सोच रही हो दीदी? मैं सोच रही हूँ वनराज को तो माँ शक्ति ढाल और तलवार दे देगी, बाकी लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? क्यों नहीं बात हम वनराज से ही पूछे? क्या हुआ जलमेरी, तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? जब आप शकीना से लड़ते होगे तब आपके पास शक्तिशाली तलवार और कवच होंगे, तो उस वक्त और लोग भी लड़ेंगे, हम उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे जंगल की है। इस जंगल में जितने भी छोटे बड़े कबीले हैं सबसे 2 दिन में संपर्क करो। जो युद्ध में भाग लेंगे उनके लिए हथियार बनाओ, जो भाग नहीं लेंगे उनके लिए सुरक्षित स्थान खोजो। रक्षक कबीला उनके लिए हथियार बनाएगा। बहुत बढ़िया, मैं आज ही सारे कबीलों की सभा बुला लेती हूँ।
आज जंगल के रखवालों का इस तरफ किस लिए आना हुआ? जंगल को इस वक्त रक्षक कबीले की जरूरत है। रक्षक कबीला जंगल के रखवालों की मदद करेगा, बताइए क्या काम है? 2 दिन बाद जंगल में युद्ध होने वाला है, उसके लिए हमें तलवार और ढालों की जरूरत है। 2 दिन में ढाल और तलवार जितने भी मुमकिन होंगे मैं उन्हें लेकर मेरी सेना के साथ आपके पास आ जाऊंगा। 2 दिन में कितने हथियार बनेंगे? 100 लोगों के लिए बन जाएंगे। जल्द से जल्द बनवाओ, लगता है बड़ा युद्ध होने वाला है। क्या हुआ, इतने तड़प क्यों रहे हो? जंगल में सबको पता चल गया है हम लोग जंगल पे हमला करने वाले हैं। वन माता उन्हें हमारा सामना करने का उपाय बता रही है। क्या उपाय? वनराज शक्ति पर्वत जाने वाला है। शक्ति पर्वत? हाँ, शक्ति पर्वत, जहाँ से शक्तिशाली हथियार और शक्तिशाली चल लाने वाला है। करने दो, जो इन्हें करना है करने दो। आज रात मैं अपनी जादुई शक्ति जगाने वाली हूँ और तुम्हें भी जादुई शक्ति दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे बचाते हैं इस जंगल को।